की बड़ी खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर बोले पीएम मोदी, नशा साफ में अंधकार और तबाही लाता है। जेपी नड्डा ने भावेश कालिता को असम बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। रविवार को लद्दाख का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पश्चिम बंगाल में फेक वैक्सीनेशन की जांच और दोषियों पर एक्शन लेने के लिए सरकार ने गठित की कमेटी। कोविड की वजह से भारत की बजाय यूएई में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप। तमिलनाडु में 5 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा, लेकिन मॉल्स और बाजार 7 बजे तक खोलने की इजाजत। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने जारी किया नया समन, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। आप सांसद संजय सिंह ने मोहन भागवत से मिलने का समय मांगा, बोले राम मंदिर मामले में सबूत दूंगा। चंडीगढ़ कोटकपुरा गोलीकांड मामले में पेश होने के लिए एसआईटी दफ्तर पहुंचे पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल। राजस्थान के छोटे सादरी नगर पालिका में 100% वैक्सीनेशन, सरकार ने दिया 25 लाख का इनाम। मुंबई में एक्टर करण मेहरा के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, मारपीट का आरोप लगाया। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। आज से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लगेगी कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन। राकेश टिकैत बोले सोचा नहीं था आजाद देश में किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। बीते 24 घंटे में 48,698 कोरोना के नए मामले सामने, 1,183 मरीजों ने तोड़ा दम। बीते 24 घंटे में कोरोना वैक्सीनेशन के 61.19 लाख डोज लगाए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।